कार्यालय कलेक्टर की वेबसाइट पर एक सूचना जारी कर दी गई है जिसमें चतुर्थ श्रेणी भृत्य के रिक्त पदों पर जो परीक्षा ली गई थी, मतलब परीक्षा क्या ली गई थी, आवेदन मंगाए गए थे कहूँ, तो जो आवेदन मंगाए गए थे उनके बारे में एक सूची जारी कर दी गई है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। जीरो पीरियड में आज की जो सूचना है वो कार्यालय कलेक्टर जिला उत्तर बस्तर कांकेर की तरफ से है। हालांकि ये सूचना जो है वो विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर के अंतर्गत आता है, परंतु ये जो सूची है वो मैंने डाउनलोड की है कांकेर की वेबसाइट से। तो क्या बातें हैं, एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं, किन बातों का इसमें जिक्र किया गया है वो आप समझ लीजिएगा। इसमें सूचना ये कहता है, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय की द्वारा सूचित किया गया है कि विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग जगदलपुर के माध्यम से जिले के विभिन्न विभागों में चतुर्थ श्रेणी यानी कि भृत्य के पदों के लिए अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के बाद पात्र और अपात्र की सूची जारी करके अभ्यर्थी को दावा आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28/4/2022 सायंकाल 5 बजे तक का समय दिया गया था। आपकी एक सूची अपलोड हुई थी, अपलोड करने के बाद उसमें आपसे दावा आपत्ति मांगी गई थी। ये सूची जारी करते हुए बोर्ड ने ये कहा था कि 28 तारीख तक आप इसमें अपना दावा या जो भी आपत्ति है वो दर्ज करा सकते हैं। तो इस अवधि के दौरान 28 लोगों ने अपनी दावा आपत्ति दर्ज की। तो उक्त अवधि में 28 अभ्यर्थियों द्वारा दावा आपत्ति प्रस्तुत किया गया, जिसका समिति के सदस्यों द्वारा निराकरण करने के उपरांत वर्गवार मेरिट सूची जारी किया जा रहा है। हर वर्ग का अपना अपना मेरिट लिस्ट है, वो जारी किया जा रहा है। अभ्यर्थियों के जिले के वेबसाइट www.kanker.gov.in पर जाकर अभ्यर्थी इसका अवलोकन कर सकते हैं। अब उसके बाद ये लिस्ट लगभग लगभग 15-16 पेज की है, तो मैं आपको लिस्ट तो दिखा देता हूं, परंतु इस लिस्ट को पूरा YouTube पर समझना मुश्किल है, तो आपको जाना पड़ेगा कांकेर की वेबसाइट पर, वहां पर से आपको मिल जाएगा, या फिर आप चाहें तो मेरे वेबसाइट पर भी आपको इसकी कॉपी जो है मिल जाएगी। वहां पर भी मैंने अपलोड करने का प्रयास किया है, आप चाहेंगे तो आप मेरे वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आइए देख लेते हैं लिस्ट कैसा है। ये पहली जो लिस्ट है काफी छोटे लेटर्स दिख रहे होंगे आपको, क्योंकि YouTube पे इतना स्पष्ट नहीं दिख पा रहा होगा। अनारक्षित मुक्त 23 पद थे, उसमें ऊपर लिखा हुआ है विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से जिले के विभिन्न विभागों के लिए विज्ञापित भृत्य के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु मेरिट सूची अनुसार दस्तावेज का सत्यापन पश्चात चयन सूची। अगर आपका आवेदन अपात्र घोषित किया गया है तो उसमें अपात्र होने का कारण बताया गया है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं आखिरी कॉलम में आपको ये बता दिया गया है, और आप पात्र हैं तो भी बताया गया है। तो सारी चीजें इसमें स्पष्ट हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की सूची है। फिर वेटिंग लिस्ट भी बताया गया है, 23 लोगों का चयन सूची है, उसके बाद फिर प्रतीक्षा सूची है। उसके बाद अनारक्षित महिला में 14 पद थे, वो 14 पदों का यहाँ पर सिलेक्शन है, उसके बाद प्रतीक्षा सूची बनाई गई है। उसके बाद फिर भूतपूर्व सैनिक, अनारक्षित भूतपूर्व सैनिक के 9 पद थे, उसमें 9 लोगों का सिलेक्शन लिस्ट है और उसमें एक प्रतीक्षा सूची में एक व्यक्ति का नाम है। 3 पद अनारक्षित दिव्यांग के थे, उसमें 3 लोगों का नाम है, इसके अलावा प्रतीक्षा सूची में 3 लोगों का नाम है। और नीचे सारे हस्ताक्षर हैं, जिला शिक्षा अधिकारी उत्तर बस्तर कांकेर, जिला कोषालय अधिकारी, जिला रोजगार अधिकारी, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, नोडल अधिकारी, विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष, अपर कलेक्टर, ये सारे हस्ताक्षर हैं। अनुसूचित जनजाति मुक्त के 44 पद थे, इसमें 44 लोगों की सूची है, आप देख सकते हैं 44 लोगों की सूची है। उसके बाद एक प्रतीक्षा सूची बनाई गई जिसमें 3 लोगों के नाम है। अनुसूचित जनजाति महिला के 28 पद थे, 28 लोगों का नाम है इस सूची में, 7 लोगों का नाम है। और अनुसूचित जनजाति भूतपूर्व सैनिक के 18 पद थे और इसमें नाम है 6 लोगों के। इसके अलावा अनुसूचित जाति मुक्त के 4 पद थे, उसमें 4 लोगों के नाम है, 3 प्रतीक्षा सूची में है। अनुसूचित जाति महिला के 2 पद हैं, 2 लोगों के नाम है, 3 और 1 प्रतीक्षा सूची में है, 2 लोगों के नाम, 2 लोगों के नाम प्रतीक्षा सूची में है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पिछड़ा अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त के 11 पद हैं, 11 पद के लिए आपके पास 11 नाम है और 3 नाम प्रतीक्षा सूची में है। अन्य पिछड़ा वर्ग महिला में 6 पद हैं, 6 लोगों के नाम हैं
और तीन प्रतीक्षा सूची में रखे गए हैं, और भूतपूर्व सैनिक के चार पद हैं, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग में ऐसा कोई आवेदन नहीं मिला है। अन्य पिछड़ा वर्ग दिव्यांग का एक पद है, एक व्यक्ति का नाम है, एक प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। तो कुल मिलाकर के ये सूची की आपको मैंने एक वानगी दिखा दी है, आपने देख लिया होगा किस तरह से सूची बनी है। आपको सूची मिल जाएगी कांकेर के वेबसाइट पे और मेरे वेबसाइट पे, दोनों जगह आपको ये सूची मिल जाएगी। आप चाहें तो वहां से डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं, आप अपना नाम खोज सकते हैं। तो ये कुल मिला करके आप देख सकते हैं चयन सूची का प्रारूप है, आप इसको समझ पाए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काम का लगा होगा, और आपके काम का निश्चित रूप से है। अगर आपका चयन हुआ तो आपको बधाई हो, शुभकामनाएं। इसी तरह से अगले वीडियो में किसी और जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, और आप अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।